हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा मदरबोर्ड कई बार शॉर्ट हो जाता है तो उसको कैसे चेक किया जाए। जैसे हमारा मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाता है तो हमारा जो पीसी है वो चलना बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। जैसे हम अपने पीसी को शॉप पे ले जाते हैं ठीक करने के लिए, ठीक है, तो दुकान वाला क्या कहता है कि आपका मदरबोर्ड शॉर्ट हो रखा है, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा मदरबोर्ड शॉर्ट है या नहीं है। ये हमारे पास दो तरह के मदरबोर्ड हैं, ठीक है, एक तो ये पी फोर है और एक ये है कि ड्यूल कोर है, ठीक है। पहले ये जो हमारा पी फोर मदरबोर्ड है इसको देख लेते हैं कि कैसे चेक करेंगे। इसमें सबसे ज्यादा शॉर्टिंग प्रॉब्लम हमारे जो ये मोस्टफेट आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, इनसे होती है। ये शॉर्ट हो जाते हैं और हमारा जो जो वीआरएम सेशन है ये काम करना बंद कर देता है और मदरबोर्ड शॉर्टिंग दिखाना शुरू कर देता है, ठीक है। और ये जो आपका ड्यूल कोर का मदरबोर्ड है इसमें भी आपको मोस्टफेट दिखाई देंगे। देखिए इसमें चार जगह पे मोस्टफेट है, ठीक है, ये अलग अलग मोस्टफेट है, ठीक है, इनको आपको चेक करना है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि हमारा प्रोसेसर भी कई बार शॉर्ट हो जाता है या इनकी पिन आपस में अटैच हो जाती है तो भी हमारा जो मदरबोर्ड है वो शॉर्ट दिखाता है, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब एक बार जो ये मदरबोर्ड है हम इनको चेक करते हैं कि इनको चेक कैसे किया जाए। दोस्तों इसके लिए हमें एक मल्टीमीटर की आवश्यकता है, ठीक है, आपको ये मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है, इसको आपको जो कंटिन्यूटी बजर पॉइंट है इस पे सेट करना है, इस पे, ठीक है, यहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मल्टीमीटर चेक करना है ये ओके है या नहीं, हमारी बीप आ रही है, ठीक है, इसका मतलब ये मल्टीमीटर ओके है, ठीक है। अब हम जो हमारा मदरबोर्ड है उसको चेक करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जो ये सॉकेट दिखाई दे रही है ये 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारे प्रोसेसर वीआरएम पूरे सेशन में यहीं से सप्लाई जाती है, ठीक है। आपको इसमें एक कट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस साइड में एक कट है, ठीक है। इस साइड के दोनों पॉइंट 12 वोल्ट के होते हैं और ये दोनों पॉइंट ग्राउंड के होते हैं अर्थिंग के, ठीक है। तो हमारे जो इन दो पॉइंट पे और इन दो पॉइंट पे बीप आनी चाहिए, बट इनकी इनके साथ बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आ रही है तो हमारा जो वीआरएम सेशन है उसमें कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है, ठीक है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम ये दो अर्थिंग के पॉइंट है इनको चेक कर लेते हैं, बीप आ रही है, ठीक है, यहाँ पे बीप आनी चाहिए, यहाँ भी बीप आ रही है, ठीक है, बट ये और ये दोनों पॉइंट पे बीप नहीं आनी चाहिए, किसी पे भी इस साइड में बीप नहीं आनी चाहिए। ये 12 वोल्ट के हैं, ये ग्राउंड के, इनकी आपस में बीप नहीं आनी चाहिए। ये देखिए कुछ रीडिंग आ रही है बट बीप नहीं आ रही है, इसका मतलब हमारा ये जो सर्किट है ये ओके है, ठीक है। अगर यहाँ पे बीप आ रही है तो उसके बाद हम चेक करेंगे सबसे पहले मोस्ट पैट, ठीक है, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको ब्लैक कलर के, ठीक है, ये हमें चेक करनी है। इनको चेक कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है कि देखिए दो पॉइंट है, एक तो ये है और एक ये पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे आपस में बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आ रही है दोनों पॉइंट पे तो इसका मतलब वो मोस्टफेट आपका शॉर्ट है, ठीक है। एक बार चेक करके देखते हैं, ये देखिए हमारी कुछ रीडिंग आ रही है यहाँ पे बट बीप नहीं आ रही, ठीक है। और अब हम ये दूसरा मोस्टफेट चेक कर लेते हैं, ये देखिए पे भी रीडिंग आ रही है, ठीक है, और हम दोनों साइड से भी चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये दोनों मोस्टफेट हमारे ओके हैं। ऐसे हम मोस्टफेट चेक करेंगे। अब ये चेक कर लेते हैं, ये ओके है, बीप नहीं आ रही हमारी, रीडिंग आ रही है और चली जा रही है, इन चेंज करके देख लेते हैं, ठीक है, ओके रीडिंग है। और इसको चेक कर लेते हैं, ये भी ओके है,
ठीक है, इस प्रकार हम मोस्टवेयर चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर ये बीप ठीक है, किसी पे बीप नहीं आई, तो हमारा जो प्रोसेसर है ये भी शॉर्ट हो सकता है, और इसके साइड में भी कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट, आपको कुछ कैपेसिटर होंगे, कुछ रेजिस्टेंस होंगे, ठीक है, उनको भी चेक करना है कहीं कोई मोस्टवेयर या रेजिस्टेंस शॉर्ट ना हो। हमारा जो प्रोसेसर है एक बार उसको भी निकाल के दूसरा प्रोसेसर हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें शॉर्टिंग चेक करने का एक और तरीका है, जैसे हमारे जो SMP's की ये सप्लाई दे दी, ठीक है, ठीक है, और हमारा जो CPU है वो काम कर रहा है, डिस्प्ले तो आएगी नहीं इसमें, ठीक है, बट जो प्रोसेसर है वो पावर सप्लाई चल रही है हमारी, और ये जो 12 वोल्ट की वो VRM की सप्लाई है वो हम लगाते हैं, ठीक है, और हमारा जो सिस्टम है वो नहीं चलता, हमारा मदरबोर्ड ऑन नहीं होता है, उसमें 90% शॉर्टिंग की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अगर ये सप्लाई लगाते ही सिस्टम बंद हो जाता है तो 90% चांस है कि आपकी जो इस सेशन में है वो शॉर्टिंग हो सकती है।